आरबीएससी 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। सबसे पहले आपको पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटली आपके 80 नंबर का पेपर होगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना, आपको पेपर करने के लिए यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अब आपको यहाँ से मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो दोस्तों पादप में फ्लोएम है वो भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है मनुष्य में अमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो दोस्तों मनुष्य में अमाशय है वो आपके पोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों आपके निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी। आपका ये पादप है वो हार्मोन के रूप में काम करता है। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कोशिका विभाजन का कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो दोस्तों कोशिका विभाजन को आपका साइटोकाइनिन हार्मोन है वो विभाजित करता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस बिंदु को आपके प्रकाश का केंद्र वाला बिंदु कहते हैं। तो आपका आंसर होगा प्रकाश केंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपातन कोण तथा परावर्तन कोण FR का सही संबंध है। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन में आपके आपातन और इन दोनों का सही संबंध है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा AI-F। तो दोस्तों 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको 7वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है विभवांतर को मापने का यंत्र है। प्रिय विद्यार्थियों परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब, वोल्टमीटर। क्वेश्चन आंसर को सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद में ही आपको कुछ करने की सोचनी है। 8वां क्वेश्चन है किस चालक तार के प्रतिरोध पर मान निर्भर करता है? तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा उसकी लंबाई पर करता है, उसकी अनुपस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है, उसके ताप पर भी करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 9वां क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। तो दोस्तों उस युक्ति को आप लोगों के लिए मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उस युक्ति को आपके लिए मोटर कहते हैं। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन ध्यान से देख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसके ऊपर बार बार फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है। तो दोस्तों वह कौन सी संयोजक अभिक्रिया है? तो दोस्तों सबसे पहले Fe2O3+2Al=AL2O3+2Fe। तो दोस्तों ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये बिल्कुल आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर आपके विस्थापित कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है अपचयन का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अपचयन का प्रयोग करने के लिए आपके एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है, एंटीसिड। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा स, एंटीसिड। खाद्य पदार्थों के डिब्बों को जंग व टिन से बचाए रखने के लिए किनका लेप किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम किसका लेप करेंगे? हम यहाँ पर लेप करेंगे जंक का। अब आपको दूसरे क्वेश्चन की ब्लैंकें बताऊंगा, लेकिन उससे डियर स्टूडेंट्स अगर आपकी भी है पढ़ाई में डाउट तो पूछो डाउटनेट के साथ। बस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करो, क्रॉप करो, डाउटनेट पर सेंड कर दो। 2 सेकंड के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे डाउट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड UPBR महाराष्ट्र MP अन्य किसी भी बोर्ड का हो, क्लासिक टू 12th ITI JEE मेंस एडवांस एंड नीट तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन है। यहाँ से आप अपने अनलिमिटेड डाउट का सोल्यूशन कर सकते हो। यहाँ पर क्लासिक टू 12th ITI JEE नीट वालों के लिए चली जा रही हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाइव क्लासेज है। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में ब्लैंक करवा रहा हूँ, जो ब्लैंक आपको करनी है। नर में खाली जगह हार्मोन का स्त्रावित होता है। तो दोस्तों मनुष्य में वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावित होता है। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब हम किसी भी खाने को खाते हैं, जब हमारे शरीर से उसको बाहर निकाला जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं।
क्या कहते हैं उत्सर्जन, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को बचाती है, तो सूर्य से हमारी पृथ्वी पर सीधी पराबैंगनी किरण आती है जो बचाने का कार्य है वो ओजोन परत करती है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। कोयला एवं पेट्रोलियम खनिजगा ईंधन का उदाहरण है, तो दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम है वो अनवीनकारी उदाहरण है, जैसे वह गैस है जिन्हें वापस नवीन रूप से नहीं बनाया जा सकता उन्हें अनवीनकरणीय गैस कहते हैं। तो दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम आपके उसी का उदाहरण है। पांचवा है गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्ता केंद्र के बीच की दूरी की आधी दूरी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उन दोनों के बीच की आधी दूरी को आपके फोकस दूरी कहते हैं। कौन सी दूरी, फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों विद्युत शक्ति का मात्रक है वो वाट होता है। हम आपकी लाइट है इलेक्ट्रिसिटी है वो वाट में मापते हैं, जैसे 250 वाट, 150 वाट, 160 वाट। परीक्षा में क्वेश्चन पक्के आएंगे तो उसी के हिसाब से तैयार करना। अगला क्वेश्चन है पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है, आपका खाना है वो कौन से भाग में जाएगा, तो आपने खाना खा लिया, खाना चला गया छोटी आंत के अंदर। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, मधुमेह रोग को सबसे पहले हिंदी में कहते हैं आपके शुगर, शुगर आपके इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। रेफ्रिजरेटर को किस रसायन का उपयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर है फ्रिज है उसमें आपके CFC का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है, तो दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है वो आपके वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है। कौन सी सुरक्षा, तो वन्य जीव सुरक्षा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कर लेना। अगला है गंगा नदी के किनारे पर कौन सा बांध स्थित है, तो दोस्तों गंगा नदी के किनारे है वो आपके टिहरी बांध स्थित है, टिहरी याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। कई बार बांध पढ़ाते टाइम भी मैं बच्चों को कहता हूँ इसके ऊपर अंडरलाइन कर लो, कंपटीशन में भी पीछे नहीं छोड़ेगा। अगला सवाल है यदि एल लंबाई चालक आर ऑपोजिट है क्यू के, तो उसी चालक में 2RQ प्रतिरोध है, तो वहाँ पर आपको तार की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों एक क्वेश्चन है वो आपके बायोलॉजी से लिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर उल्टा आर एल, ठीक है। अब चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती, सीधी सी डेफिनेशन है याद कर लेना, एग्जाम में काम की चीज़ है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर दिक् सूची रखने पर दो दिशाएं की ओर संकेत करना जो संभव नहीं है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है किस परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं, किस दिशा में जाता है जानने के लिए किस विद्युत धारा का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है इसका एमीटर काम में आएगा। कठोर मृदु जल के साथ सोडियम यौगिक की क्रिया कर ली तो आपका क्या होगा, तो दोस्तों कठोर जल मृदु को बनाने के लिए जिस यौगिक का उपयोग किया जाएगा उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2, Na के तो 2 अणु, CO के 3 अणु, NOCO3 को हम धावन सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर है ताजे दूध का pH मान 6 होता है, इसमें दही बनने में pH मान कितना हो जाएगा, तो दोस्तों दूध को दही कौन सी क्रिया के द्वारा बनाया जाता है और आपका pH मान है वो 6 से कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँ तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।